हदीस नंबर 720। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, हम एक सफर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गए। जब हम मकामे बैदा और जातुल जैश मकाम पर पहुंचे तो मेरा हार टूट गया और गुम हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलाश के लिए वहां ठहर गए और सहाबा कराम भी आपके हमरा रुक गए। ना वहां कोई चश्मा था और ना ही इनके पास पानी था। सहाबा कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों के पास आए और कहा, क्या आप नहीं देखते कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया? उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सहाबा कराम को भी रोक लिया और यहाँ पानी नहीं और ना ही सहाबा कराम के पास पानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों तशरीफ लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया, ऐ आयशा, तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सहाबा कराम को भी रोक रखा है, हालांकि यहाँ पानी नहीं और ना ही इनके पास पानी है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने मुझे झिड़का और जो कुछ अल्लाह ताला ने चाहा उन्होंने फरमाया। आप मेरी कोख में उंगलियां चबोते थे और मुझे हरकत से सिर्फ ये बात रोक रही थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे हुए आराम फरमाते, हत्ता के सुबह हो गई और पानी नहीं था। इस पर अल्लाह ताला ने आयत तयम्मम नाजिल फरमाई, पस सहाबा कराम ने तयम्मम किया। हजरत असीद बिन खजीर रजी अल्लाह अन्हों ने, जो नकीबों में से एक थे, फरमाया, ए आले अबू बकर, ये तुम लोगों की पहली बरकत नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने इस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हमने हार इसके नीचे पाया। हदीस नंबर 721। हजरत हश्याम अपने वालिद से और वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि उन्होंने हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से एक बार एक हार बतौर उधार लिया तो वो गुम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा कराम को इसकी तलाश में भेजा। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने वुजू के बगैर नमाज पढ़ी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इस बात की शिकायत की। इस पर आयत तयम्मम नाजिल हुई। हजरत असीद बिन हुज़ैर ने फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की कसम, आप जिस मामले में मुब्तला हुई अल्लाह ताला ने आपके लिए निकलने का कोई रास्ता बनाया और इसे मुसलमानों के लिए बरकत का जरिया बनाया। हदीस नंबर 722। हजरत शफीक फरमाते हैं, मैं हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हों के पास बैठा हुआ था तो हजरत अबू मूसा ने फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है, अगर कोई शख्स जुम्बी हो जाए और एक माह तक पानी ना पाए तो नमाज के बारे में क्या करे? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, तयम्मुम ना करे अगरचे एक महीना पानी ना पाए। हजरत अबू मूसा ने फरमाया, सूरह मायदा की इस आयत का क्या करोगे जिसमें फरमाया, तर्जमा, अगर तुम हालत जनाबत में पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, अगर इस आयत से उनको रुख्सत दी जाए तो हो सकता है वो पानी ठंडा होने की सूरत में भी मिट्टी से तयम्मुम कर लें। हजरत अबू मूसा ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, क्या आपने हजरत अमार का कौल नहीं सुना? वो फरमाते हैं, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए भेजा और मैं जुम्बी हो गया। मैंने पानी ना पाया तो मिट्टी में लोट पोट हुआ जिस तरह जानवर लोट पोट होता है। फिर बारगाहे नबी में हाजिर हुआ, ये वाकया जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए इस कदर काफ़ी था। हमने अपने मुबारक हाथों को एक बार ज़मीन पर मारा, फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ का मसा किया और हाथों के जाहिर और फिर चेहरे का मसा किया। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते
कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हों के कौल पर किनात नहीं की।